नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ है स्वर्ग भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष हंसराज राजभर जी है और हम बात करेंगे चुनाव को लेकर जो आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है। घोसी लोकसभा से डॉक्टर अरविंद राजभर जी स्वर्ग भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव का चुनाव लड़ना तय हो चुका है, लेकिन जैसे इनका नाम डिक्लेयर हुआ है इनका विरोध भी शुरू हो चुका है। हम जानना चाहेंगे किस नजर से स्वर्ग भारतीय समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष हंसराज राजभर जी का क्या विचार है, जो आज चुनाव होने से पहले उनका विरोध चालू हो गया। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय सुहेलदेव। राजभर एक्सप्रेस चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आपके चैनल के माध्यम में हम लोग को बातें रखने का मौका मिल रहा है। हम चाहेंगे कि आपका चैनल के माध्यम से पूरा देश और विदेश हमारी आवाज़ जाए और हमारी पार्टी का आवाज़ जाए और समाज के सभी पिछड़े लोगों का आप आवाज़ बन के आगे आए। क्या कहेंगे जो अभी घोसी में अरविंद जी का नाम तय हुआ चुनाव के लिए, लेकिन कुछ लोग उनका ऑब्जेक्शन करने रहे हैं इस चुनाव को लेकर। अरविंद राजभर जी का जो है उत्तर प्रदेश में जलवा है, वो भी घोसी विधानसभा में अरविंद राजभर जीत रहे हैं और ये हम नहीं तय कर रहे हैं, ये वहाँ की जनता तय कर रही है। आप वहाँ के जनता जो है उसके आधार पे वो लोग बोल रहे हैं कि अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, तो कैसे जीत रहे हैं? अरविंद राजभर जी जीत रहे हैं इसलिए उनको तकलीफ है, वहां से अरविंद राजभर जी को टिकट नहीं मिले ऐसा उनको सोचना है। जैसे इनका नाम अरविंद जी का डिक्लेयर होता है, वैसे कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं। अगेंस्ट इसलिए खड़े होने के लिए तैयार है कि भाई देखो, ने धरती पे अरविंद राजभर जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इतना काम किया है लोगों के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके, उनके सुख दुख में जाके, उनके तबियत खराब हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती कराना हुआ, थाना हुआ, पुलिस चौकी हुआ, उनके एक सपोर्टर बन गए हैं, पिछड़ों के सपोर्टर बन गए। चाहे घोसी, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई भी कोने में चले जाइए आप, अरविंद राजभर जी का नाम, सुहेलदेव राजभर का नाम या मंत्री जी का नाम लेके आदमी क्या होता है, थाने पे चला जाता है और थाने पे जाके अपना काम करा के चला जाता है। वो तो इतनी बड़ी बात छोड़ दीजिए, मैं यहाँ महाराष्ट्र में बैठ के यहाँ से एक फोन लगाता हूँ गोरखपुर थाना में, बासडी जो गाँव आता है, बासडी जो थाना आता है, वहां के एसओ से मैंने बात किया। एसओ से मैंने बोला, मैंने महाराष्ट्र से युवा अध्यक्ष हंसराज राजभर बोल रहा हूँ, हमारा एक छोटा सा समस्या है, आप देखिए हमारा लड़का एसएससी या बाइक आपके माध्यम से पकड़ी गई है। तो उन्होंने बोला सर ठीक है, अगर आपने फोन किया है तो मैं एक बार जांच करके उनको बोलिए कल आके पेपर लेके जाए। ये ताकत है, ये ताकत हमारी नहीं है, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की ताकत है, लोगों की ताकत है। ये लोग उनके साथ इतने गरीबों के लोग जुड़े हैं। और वो जो लड़का पकड़ा गया था वो यादव समाज का था, वो हमसे बोला गोरखपुर से फोन करके, भैया हमारे ऊपर दरोगा ने कार्रवाई करा दिया है और उसको बोलता है कि जेल भेजूंगा। जब इतना छोटा सा मंच था कि एक महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था और एक महीना बाद उसको FIR दर्ज किया गया था, फिर हमारे पास संज्ञान में हमारे आता है बात और मैं यहाँ से फोन करता हूँ महाराष्ट्र से, जब फोन करता हूँ तो वहां का जब दरोगा, जो बाल जी का दरोगा है, जब फोन उठाता है तो बात करता है, बोलता है ठीक है सर आप भेजिए मैं इनको छोड़ दूंगा, इनकी गाड़ी को छोड़ दूंगा। ये ताकत है गरीबों की, जो ताकत बने हैं ओम प्रकाश राजभर जी, ये ताकत है अरविंद राजभर जी की ताकत है, ये पूरा गरीबों के दिल में बस गए। कोई समाज हो, यादव जी के लोग सपोर्ट मांग रहे हैं, मौर्य जी के लोग सपोर्ट मांग रहे हैं। आज मैं कई लोगों को बता दो, नाम लेके बताऊंगा कि जो यहाँ से मैं फोन किया हूँ आगे दरोगा छोड़े हैं। तो क्या लगता है कि इतना विरोध हो रहा है अभी इनके इनके सामने कोई अभी मजबूत कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ है? मजबूत कैंडिडेट कोई आएगा नहीं, अरविंद राजभर वहां से जीत रहे हैं। और कैसा है कि अरविंद राजभर ओजल ने अरविंद राजभर जी के लोगों को, चाहने वाले के लोगों को वहां पे भरमा रहे हैं। उन्होंने जमीन पे उतर के काम किया है, उस पे ना तो कंप्यूटर पे काम किया ना उस पे, जमीनी लेवल से जाके जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हर वहाँ महिला भी वहां से प्रवक्ता है, जो महिला ने बोल बता रही है कि भाई अरविंद राजभर जी आएंगे तो यहाँ का काम होगा। तो क्या लगता है कि और आप लोग की तरफ से कितना सपोर्ट है महाराष्ट्र की टीम से? पूरा महाराष्ट्र की टीम के तरफ से पूरा सहयोग है, सब लोग जाएंगे, यहाँ से मेन लोग जाएंगे, प्रचार प्रसार कराएंगे और अरविंद भैया का जीत वहां पे घोसी विधानसभा से है।
इस बार जीता है इसलिए कि उन्होंने जमीनी स्तर पे काम किया है, और वहां के चाहने वाले बता रहे हैं, वहां के लोग बता रहे हैं कि अरविंद राजभर वहां से लीड कर रहे हैं और जीत रहे हैं। वहीं के लोग तो विरोध कर रहे हैं, वहां के कुछ लोग हैं जो 100% से 1-2% तो विरोध करेंगे, क्योंकि उनके विपक्ष में, तो विपक्ष का तो विरोध तो करेगा ही ना। तो आपकी आपके हिसाब से लोकसभा जो सीट है जीत, अरविंद राजभर सीट जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीत रहे हैं, कम से कम 40,000 से 50,000 वोटों से जीत रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं है, ये वहां की जनता बता रही है, वहां के लोग बता रहे हैं, जो हमारे वहां चाहने वाले उनके माध्यम से वहां से बात होता है, वक्ता होता है, रात को बातें होती है तो बता दे। आप सर्वे करवा रहे हैं, मतलब सर्वे करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं, खुले करवा रहे हैं, सब लोग बोलते हैं 30 से 40 से 50 हजार वोटों से अरविंद राजभर वहां लीड करेंगे। चलिए अब देखना है, चुनाव घोसी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अरविंद राजभर जी का जैसे नाम अनाउंस होता है सुभाषपा की तरफ से और एनडीए गठबंधन की तरफ से, यहाँ विरोध भी शुरू हो चुका है। लेकिन सुशील भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के युवा अध्यक्ष हंसराज राजभर जी का कहना है कि हम सर्वे करवा रहे हैं, रिपोर्ट बहुत अच्छी है, और जब चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, कम से कम 50 से 60 हजार वोटों से अरविंद राजभर जी जीतेंगे, अब तो ये वक्त बताएगा। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करेंगे, अरविंद राजभर जी के युवा नेता है, वहां के युवा उन्हें कितना सपोर्ट करेंगे? वहां के युवा जो है कि उनको पता है कि डॉक्टर अरविंद राजभर जी जो आ रहे हैं, उनको कैसा युवाओं में जोश भरा है कि युवा नेता हमारे यहाँ आएगा, को अच्छा परिवर्तन लाएगा, और युवाओं की शक्ति जो होती है, युवाओं की शक्ति सोचने की 100 गुना आगे होती है, इसलिए उन्हें वहाँ के लोगों को पता है कि युवा आएगा, कुछ नए तरीके से घोसी विधानसभा को नया सौगात देगा और नए तरीके से यहाँ का काम करेगा, क्योंकि जो युवा होते हैं, युवा के सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, और वहाँ के युवाओं में भी एक नया देखा गया है कि युवाओं को चाहत है कि भाई अरविंद राजभर जी आए, और वहाँ के मेन जो सीनियर सिटीजन है वो लोग भी चाहते हैं अरविंद राजभर जी आए और घोसी का कुछ परिवर्तन करे, कुछ नया लाए, इसीलिए वहाँ की जनता चाहती है कि अरविंद राजभर जी को विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।